निजामुद्दीन दरगाह। औरंगजेब की बेटी की है। और ये मस्जिद में बिल्कुल असली सोने का कटोरा है। इनकी बाबड़ी है यहाँ पर, ये चेक करो गाइस। उसे पता नहीं था इतना गहरा पानी है, वो यहाँ पे डूब तो मर गया था। यहाँ से हमने तबरक ले लिया। और आज हमारी फैमिली की फर्स्ट राइड भी हमारी न्यू कार के साथ। पूरे भाई किचन के अंदर बर्तन ही बर्तन हो रहे हैं। कोई नहीं, अम्मी अभी ने अभी वॉशिंग करेंगी जब अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि अभी गाय हमने चाय फाय पिया ना। और आज तुम्हारा भाई बहुत जल्दी उठ गया गाइस, उठ तो चुका था तुम्हारा भाई 10:30 बजे और यहाँ पर टाइम हो रहा 12, मतलब कि व्लॉग 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि नहा धोकर अच्छी तरह से फ्रेश रहते हैं ना, तो उसके बाद ही मूड अच्छा होता है, अभी पावर आती है हाँ व्लॉग स्टार्ट करने की। फिर आप लोग भी लाइक नहीं करते हो, जब भी मुझे गुस्सा आया था ठोक दीजिए, तो लाइक कर दो भाई जल्दी से, उसके बाद आगे का व्लॉग देखना। तो भाई अभी चिकन लेने आए थे भाई ने, यहाँ पर स्पेशल मुर्गा ले रहे हैं। भाई तुम ऐसे स्पेशल मुर्गा क्यों लेते हो, है मतलब 5 कटवाए 5 करोगे अम्मा बहन पे आ यार, ऐसा दावत करोगे हमारी? अरे यार चलो सही भाई, मेरा रहना भी नहीं होगा होता। दावत है किस चीज की? फरहान की दावत। फरहान अरे ये मुझे फरहान के था यार, जब भी आता हूँ 1 किलो चिकन कर दो बिल्कुल बढ़िया करके, क्योंकि हमारे हो रही है घर में पार्टी सस्ती वाली, ठीक है ना, बढ़ा दो बढ़िया करके। भूख का इलाज चिकन, कुकड़ो को मेरी भूख का इलाज चिकन। मम्मी आज खाने में कौन सी डिश होने वाली? चिकन तो तुमने मंगा लिया, और चिकन ऐसा नाम अब की बार हमें ना जाने कैसा, बस तारीफ हो जाएंगी लोंडो पे। बताओ कोरमा, ओ माय गॉड, अभी मैं तो सह रहा हूँ वही वाला बना दो जो तुम बनाते हो रोस्टेड वाला, भाई आ जाता है। अम्मी कह रही उसमें भाई काफी का टाइम लगता है ना, तो चलो कोई नहीं कोरमा बना देंगे, अलग अलग डिश होनी चाहिए डेली। नाश्ते के अंदर आइए पूड़ियां सब्जी, और ये अपने लिए खाता है डेली सुबह ही खाता है, इसका जिम वाले ने बता रखी है। भाई माशाल्लाह से हमारे क्रीम का स्टोर भी गाइस काफी सारा आ चुका है, देख लो ये है हमारी डे वाली यहाँ पर अरमान ब्लॉग डे क्रीम। माशाल्लाह से गाइस जिसने अभी तक क्रीम ऑर्डर नहीं करी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, क्रीम ऑर्डर कर सकते हैं, इससे भाई बहुत फायदा है। ये वाली डे वाली भाई अगर आप डे में लगा के जाओगे ना, आपके बिल्कुल भी धूप का असर नहीं पड़ेगा, मट्टी होती है या बहुत चीज होती है तो बिल्कुल आपका फेस क्लियर रहेगा धोने के बाद ही। और ये नाइट वाली क्रीम गाइस जो नाइट में सोता है इस क्रीम को लगा लो, दिन में माशाल्लाह से 6 रुपए से रोनक आएगी, बहुत ही बढ़िया, तो फटाफट से गाइस ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ में भाई हमारे सॉप भी है, एक ब्लैक वाला भी और एक व्हाइट वाले, तो यहाँ पर आईडी आ रही है, यहाँ पर खूबसूरत व्हाइट है क्रीम, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारी क्रीम ना इस लड़के ने भी लाई थी जब ये इतना माशाल्लाह से गोरा हो गया। भाई नमाज पढ़कर आ चुकी हूँ और इतनी खतरनाक आज धूप निकली पड़े ना, बहुत खतरनाक। ये देखो हमारी कार कैसे खड़ी है गाइस, बिल्कुल धूप फ्री है, बिल्कुल धूप इस पर लगेगी नहीं, अभी जाना हमारे रख के आता हूँ और मुझे कार पे लिखवा के लाना अरमान व्लॉग। भाई ये तो लिखवाई नहीं है जब सही है, कल क्या था मॉडिफिकेशन कराने, कल भी मैं भूल गया, तो आज लिखवा के लाऊंगा। देखो खाना रेडी होने वाला, मैं घर के देख लूं। ओहो ये गरम हो रहा है भाई, मैं तो डर लग रहा है, पर प्याज भी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, और मैंने कार की भी ले लिया, मैं फटाफट से मैं भी नाम लिखवाया था है ना, उसके बाद खाना खाऊंगा। गाइस धुलवी होए क्लीनिंग बिल्कुल बिस्मिल्लाह। अरे ये कपड़ा किसने रख दिया? आई थिंक किसी ने ऐसे सफा फफा करी होगी ना, तो ये कपड़ा यहीं रख दिया है, कोई नहीं अंदर से बिल्कुल शाइनिंग मार रही है, और ये अपना कपड़ा यहीं पर रख देते हैं। गाइस इतना बढ़िया कपड़ा है ना, इससे एक ही बार में देखो कुछ भी करता हूँ ना वो साफ हो जाता है। और ये देखो यहाँ पर कितना सारा है। ओके भाई लगवा के ले आएंगे, चलो भाई चलते हैं, ये हो चुकी है अपनी कार स्टार्ट। ये एक ही बार में भाई टर्न मार दो उसका ना, थोड़ा सा गाइस बोनट बड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि हमारी सेफ्टी था उसका नीचे लगता था, उसको ऐसा लगता है जैसे क्या चीज चला रहे हैं। मैं खुशबू वाला भाई सेंट भी ले आया था ना, तो इससे ना काफी अच्छी कार के अंदर फ्रेग्रेंस हो पड़ी है, और अपनी एम्बियंस देखो भाई दिन में भी इतनी प्यारी लग रही है ना, रात में तो आपको मैंने दिखाई रखी है आली शान लगती है। ओए होए ने माजटिए, अब इसके देखो वॉल्यूम बढ़ाता है टड़न टड़न। ये बस मैं तो अभी 18 पर कर रखी है, 19 पर जब इतनी बड़ा, और यान कह रहा था भाई करा भाई इसके अंदर बेस ट्यूब लगवा लो भाई, मैं इनकी यार इतना गाने फाने था नॉर्मल सुनते हैं, इसके अंदर 6 स्पीकर है वो बहुत ही बढ़िया साउंड देते हैं अपने। देखो मैंने यहाँ पर भाई को साइज तो बताया इन दो पट्टियों के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा हो, भाई बता रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाम लिख जाओ भाई, यूट्यूब पर लोग बराबर में आएगा ना, ठीक है बना दो। राइटिंग दे सकते हैं भाई कितने सारी, लाखों राइटिंग दिखा देंगे, इनमें से हमें एक चॉइस करनी पड़ेगी। और अम्मी ने घर से कह के भेजा बिल्कुल सिंपल राइटिंग में लिखवाई, क्योंकि मैंने जो पहले लिखवाया था ना वो मोम वाली राइटिंग था, उसमें समझ में नहीं आता अरमान ब्लॉग लिखा है क्या लिखा है, तो अभी भाई से भाई सिंपल राइटिंग दिखा दो जो थोड़ी ब्यूटीफुल सी वाला की दिखे लुक वाइज, BLOGE। तो गाइस देखो मैंने बिल्कुल राइटिंग चॉइस करी है, हाँ भाई ये सही है अरमान ब्लॉग परफेक्ट है, बस अभी भाई प्रिंट कर देते हैं इसमें और फिर चिपकवा देंगे। भाई अच्छी वाली लगवाना जो रात को शाइनिंग मारा है। ये देखो जी यहाँ पर अरमान ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। यार ये तो छोटा पड़ गया मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, मुझे और बड़ा लिखवाना था, चलो लिख दो अब तो यहीं लगा दो, बीच में लगा देना भाई, कितना प्यारा लग रहा हो भाई के मुंह में यूट्यूब है तो वहाँ पर लगेगा। यार इतना मन से नाम लिखवाया था गाइस पोपट हो चुका है भाई ने यहाँ पर लगाना, एक तो पतली लाइटिंग लग रही और ना फिर वो ऐसा कर करके ऐसा लग गया, वो ऐसा लग रहा नीचे जा रहा है, तो भाई दोबारा छुटा रहे हैं
अब मैं भाई से दोबारा बनवाऊंगा थोड़ी मोटी मोटी राइटिंग वाला। भाई दूसरा नाम फाइनली लिख गया और ये चेक करो भाई, बस अब पन्नी हटा रहे हैं। आहा भाई ये दोबारा खराब होने वाला है, ये एक आज पता नहीं क्या होगा, इसके साथ ही छुट रहा है। 30 करोड़ों साल के बाद गाइस फाइनली अरमान ब्लॉग लिख चुका है, और यहाँ से दिखा दूँ और दूर से दिखा दूँ कैसा दिख रहा है, बिल्कुल प्यारा लगा हुआ, मैंने अब की बार बीच में लिखवाया। चलो भाई सही है, अब चलते हैं थोड़ी सी राइड मारने, क्योंकि एक आधा घंटा यहीं पर खड़ा खड़ा हो गया मैं। सिग्नेचर पर घूमते घूमते भाई फर्स्ट टाइम हमारी कार ने अभी तक सिग्नेचर पर आई है, पर यहाँ पर रुकने का प्लान सोचो, और रोको या नहीं रोको, रोक लेता हूँ, क्या करना है बताओ। फोटो, ओ माई गुड, हाँ नई कार के साथ अभी तक गए हमने फोटो नहीं खिंचवाया, सिर्फ शोरूम में खिंचवाए थे। नहीं आगे रुकवा ना, जहाँ से सिग्नेचर का व्यू आ गया है, सिग्नेचर पर यहाँ जो छत वाला केफ है ना, पता नहीं कौन से साल में खुलेगा, अभी तक तो खुला नहीं है, हम खुद परेशान हो चुके हैं गाइस। फिर सोच रहे हैं भाई सिग्नेचर ले जी भाई, गाने बजा लिए ना तो संतरा वाला। सन ग्लासेस सब तो मेरी कार के अंदर ही रखा रहता है, जब भी दिल करता है सन ग्लासेस निकाले कार में से, और एक घर के लिए और ला के रखना पर्सनल, जो घर पे ब्लॉग शूट करता हूँ तो पहनने करो, कार का तो अपना हो ही चुका है। यार ये कार कितनी ज्यादा गंदी हो गई है गाइस, मैंने तो अब देखा है, ये देखना है कीचड़ कीचड़, कोई नहीं घर पे आके वॉश कर देंगे, अभी फोटो शूट करा लेते हैं। यहाँ पर आ गया है, खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं अब कहाँ पर कह रही हूँ तुम घुमाने के लिए आज जाने की? घूमने के नहीं बेटा, जब नई चीज कोई आती है ना तो निजामुद्दीन जाना पड़ता है, तेरा बुआ बता रहे मुझे। अच्छा तो फिर आज हम निजामुद्दीन जा रहे हैं क्या? बताओ कब जाएगा। अच्छा लग रहा है, कौन कौन चल रहा है? अब वो खाना खा लो फिर डिसाइड। चलो सही है भाई, फटाफट से खाते हैं खाना भाई। चलो आज हम जा रहे हैं निजामुद्दीन दरगाह पे, और पूरी फैमिली आ चुकी है माशाल्लाह से। भाई साहब पहले बताओ कार में बैठो कैसा लग रहा है, कम्फर्ट आ गए सारे बंदे? और चाची चमक कैसी है ये नहीं बता रही, सारी मेहनत मेरी है, चार घंटे में धोए, धुंधला हो रहा है, धुंधला कैसे हो रहा है, इतनी मट्टी है यार, अभी तो सफा करी है, अब वो खड़ी खड़ी हो गई ना, कॉलिंग से करता है। ओफो माइयो, कम से कम एक घंटे में मैंने सफा करी है, जब भी यूं कह रहे हैं भाई कॉलिंग से करता है। अबे गुस्से नहीं हो रहा मैं बताऊँ, हाँ ये मट्टी फट्टी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय देखो कितनी बढ़िया क्लीनिंग करी है, और अपनी MS 5 आई पूरी परफेक्ट हो चुकी है, और गंजमुर की चोर नहीं आ रहा ना, सिस्टर जा रही है ठीक है भैया, घर पे रहना, बाहर मत जियो, मैं से कह के जाओ। नहीं मैं सूखे से करता हूँ, मुझे लग रहा है गीले से करा लग रही है मट्टी। अरे वो कोई बात नहीं, वो भी ठीक कर दूंगा दूसरा। अरे हम पे दो कपड़े हैं, दो कपड़ों से कोई से भी कर सकता हूँ, एक गीला वाला भी है और एक सूखा वाला भी है, चलो कर दूंगा ना अभी ठीक है। मम्मी की अभी एक बात बताता हूँ, यहाँ पर AC सेट कर रहे हैं, यहाँ पर अबू ने गया यहाँ भी, अरे अब तो यहाँ भी मतलब हमारी सुस्त में ना, याद ना रहती अभी। हाँ। जैसे अब दूसरी बार बैठे हैं ना, हाँ जी चलो कोई नहीं भाई, तो ये पीछे भी ऐसे है ना, तो बिल्कुल चारों तरफ ना कूलिंग कर देती है। जैसे हम यहाँ से निकले ना, मौसम इतना खतरनाक हो चुका, बिल्कुल काले काले बादल, और सामने आई थिंक इस साइड ने इधर बारिश आ रही, सामने देखो भाई बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका, मतलब निजामुद्दीन जा रहे हैं ना तो वहाँ पर बहुत अच्छा हो चुका है, अब वहाँ पर जाके दिखाते हैं गाइस कैसे कैसा होता है, और बस बढ़िया सब। और आज हमारी फैमिली की फर्स्ट राइड भी हमारी न्यू कार के साथ, चाची भी पहले, चाची तुम अब कैसा लग रहा है बताओ, कंफर्टेबल हो? बिल्कुल बिच्छा बिच्छा तो नहीं हो रही कुछ? हाँ इसमें बताओ, ज्यादा जगह है ना सर? हाँ अच्छा भाई, चाची ने रिव्यू दे दिया तो मतलब ज्यादा जगह तो है। ड्राइवर चेंज हो जाएगा, अब चलाएंगे कार में, भाई बैठ के ब्लॉग शूट करूंगा अपना। और यहाँ देखो भाई इतने सारे कबूतर हो, माशाल्लाह, इन्हें ना किसी दिन बाजरा फायरा डाल लेंगे, वैसे तो डाल लेते हैं जब दिल करता है अपना आराम से। अब मैं ब्लॉग बनाएंगे और चलेगी कार। तो यहाँ पर बारिश भी आ चुकी है, देखो जामा मस्जिद की साइड है आधे रास्ता में, और इतने में खतरनाक बारिश हो गई है, और अभी जितना आगे चलते रहेगा ना उससे ज्यादा तेज होती रहेगी। और यहाँ पर मैंने भी ये कलर बदल दिया है, ये लगा दिया मैंने रेनबो वाला मोड, ये भी ना काफी कंफर्टेबल होता है और बढ़िया लगता है देखने में। ओह सनरूफ पे देखो भाई, हाँ जी क्या कह रही है, कोई दुआ कबूल होती है, अब तेरी कोई बड़ी दुआ कबूल होने वाली है। अच्छा तो तुम्हारी नहीं होगी, मेरी होगी। हाँ तो अपना नाम नहीं ले रही, मेरे नाम पर रख रही है चाची, देख लो चाची ने मार क्या दुआ, तो चाची नए नए कपड़े मारे, चाची की कोई दुआ कबूल हुई है? नहीं नहीं आज चाची की दुआ कबूल हुई है, कोई खतरनाक वाली चाची आज पार्टी दे रही है चाची, तू भी दुआ मांग ली। माशाल्लाह गाइस कितनी तेज आ रही है, सबसे अच्छा भी देखो अब ये देखो ये चीज कितना बड़ा लग रहा है, आसमान में भी देख सकते हो, और पर पूरी कार सन गई भाई, अब नहीं करूंगा मैं, धुलवा के लाऊंगा अम्मी भाई, दो घंटे में करी थी, अब देखो बंदों को 1 2 3 स्टार्ट, ये तो कार आ रही है, क्योंकि गाइस हमने निजामुद्दीन के यहाँ पर ये पार्किंग होती है तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है, अब हम जा रहे हैं रोड क्रॉस के विद फैमिली फर्स्ट राइड, और अब 3X आज हमारी फर्स्ट राइड थी हमारी 3X की गाइस। आइल कैसा लगा, एक्साइटमेंट हुआ?
खुश हो गया, पसीना तो नहीं टपका एक भी? मेरे गाड़ी में बैठ के सूख गया। और मुझे आज एक चीज नोटिस करिए, ये कोट सेट वाले कहाँ से लोग आ गए हैं? कोट सेट कोट सेट कोट सेट। अरे वाह जी वाह, चाची तुम रह गई कोट सेट से? बिस्मिल्ला कलेक्शन से चलो। पसंद हमारी लोग अपनी करोगे? हाँ ये बात सही बोली, अगर अपनी कहती जब ही कैंसिल है तो। माशाल्लाह गाइस, बिस्मिल्लाह आईडी का कलेक्शन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, सबने अपने अपने ऑर्डर करके मंगा रखे हैं। ये चेक करो गाइस कितनी प्यारी लगती है ये, यहाँ पर ये पूरा गोल चक्कर है इस टाइप में, और निजामुद्दीन वहाँ पर है। और भाई इतने सारे यहाँ पर अंग्रेज आए हुए हैं ना, बहुत ही सारे। हजरत निजामुद्दीन ओलिया तो इस साइड में, यहाँ पर रास्ता हम हजरत निजामुद्दीन में मार्केट के अंदर एंट्री ले लिया अभी। भाई अगर आप कोई भी आए भाई यहाँ पर स्टार्टिंग से चप्पल उतरवा लेना, आपकी मर्जी। अगर आपको स्टार्टिंग बतानी है वैसे तो दरगाह के पास भी चप्पल उतारने का ऑप्शन है, क्योंकि गाइस दूर हम चप्पल उतार देंगे तो फिर पैदल भी बहुत चलना पड़ेगा। और ये यहाँ पर माशाल्लाह से मस्जिद है, हाँ सीधा सीधा चलना है अभी। और हमें यहाँ का ना एक भेजा भी बहुत फेमस है, मैं यहाँ खिड़के बहुत टेस्टी होता है, मैं बहुत बार खाने भी आया हूँ। ये पूरी यहाँ पर मार्केट है इस टाइप में, कपड़ों की मार्केट है, टोपियाँ हैं ये मिलते हैं, और जहाँ नमाज आती है माशाल्लाह बहुत सारे सामान है। हाँ अच्छा सब्सक्राइबर सलामकुम, और भाई क्या बढ़िया अच्छी अच्छी ठीक। चलो आज तो मजा आ गए। यहाँ पर होटल होते हैं भाई कुछ खाने पीने का, ऐसे देखो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी टेस्टी सबका खाना होता है। और ये चादर है, बाजार के अंदर चढ़ाने के लिए फूल होते हैं, इतर होता है, और ये बहुत काफी चीजें हैं भाई। यहाँ से एंट्री तो ले लिया तो ऐसे आपको चीजें दिखेंगे माशाल्लाह। और अब धीरे धीरे अंदर जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, और हम ना शूज बिल्कुल अपने एंड में उतारेंगे। यहाँ से हमने तबरुक ले लिया, एक अगरबत्ती आती है और एक फूलों की आती है माशाल्लाह। देखो भाई गुलाब के फूल हैं, इस टाइप माला, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। चाची ने यहाँ पर जी भाई चादर है नहीं, हमें ये चाहिए था, ये ले लिया 160। अच्छा तो चाची ने भी दो ले लिया और हमने भी दो। अमी रुको रुको रुको, गिर जाएगी मेरा हाथ, पकड़ो एक मिनट। ये वाली बिल्ली जो भाई कितनी खतरनाक, इसकी आईज है, ये क्या खिला रही है? अरे फूल में औरंगजेब की बेटी की है, कबर क्या नाम है उनका, जहरा की कबर है। अच्छा और आज इतना ज्यादा रश पड़ा गाइस जुम्मे वाले दिन, अम्मी में यार जुम्मे रात वाले दिन कितनी भीड़ होती है, यहाँ पे निकलने को भी चले गए थे, मॉडिफिकेशन कराने चले गए थे। नहीं तो भाई देख लो यहाँ पर ये रहे माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही पड़ी है। और ये रही निजामुद्दीन दरगाह माशाल्लाह भाई, बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पर ना वीडियो शूट कैमरा अलाउड नहीं है तो इसलिए थोड़ा कम ही वीडियो बनेगी यहाँ के, हाँ वो तो सब बना रहे, पर जिसका फोन ले लिया ना फिर वही खामा फिर प्रॉब्लम होगी। सच अपना थोड़ा बहुत बनाओ और जेम में रख लो इस तरह से। तो यहाँ पर हमने अपनी एंट्री ले ली, और देखो माशाल्लाह कव्वाली भी गा रहे होगा, इतना ज्यादा रश हुआ पड़ा है ना, तो बड़ी दुपक्के में वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये हजरत निजामुद्दीन दरगाह और माशाल्लाह से यहाँ पर बैठे हैं सब। और ये यहाँ पर हम दरगाह के अंदर आ चुके, अभी अंदर तो गए नहीं, बाहर से मैं दिखा दूँ। और ये देखो भाई पूरा ना यहाँ पर जितना भी इंटीरियर है गोल्डन कलर का है, और ये चाची ने जो बाहर से फूल लेकर आए थे ना वो इन्हें यहाँ पर दे दिए, वो कह रहे मैं अंदर चढ़ा दूँ, और जो दूसरी वाली है वो हम अंदर खुद चढ़ा देंगे। माशाल्लाह कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। और दरगाह के अंदर अब आ चुका हूँ, और मैं इतनी अब भाई सिक्योरिटी से यहाँ पर व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये देखो माशाल्लाह जितने भी यहाँ पर लोग हैं चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, और दुआएं मांगते हैं, और बहुत चीज़ है भाई माशाल्लाह से, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आके। आप भी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर, तो बढ़िया देखो लोग यहाँ पर। और अभी बाहर आ चुके हैं, और ये देखो लोग हर भाई 12 महीने ऐसे ही सजा रहता है, ऐसी रौनक रहती है। और अब भाई अब ये बदल देंगे, जितने भी फूल लग रहे हैं झालर है ना सब दोबारा से चेंज कर देंगे। और ये देखो भाई माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। अच्छी अच्छी दुआएं कर लेना, अभी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ वजू, क्योंकि मुझे पढ़नी है भाई नमाज। मैंने तो नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है यहाँ की मस्जिद, इतने सारे पंखे हैं और ये चीज़ देखो, ये बिल्कुल स्पेशल है यहाँ पर ना, ये सोने का कटोरा है गाइस रियल। और इसकी स्टोरी मैं अब्बू से पूछ कर बताऊँगा आपको क्या स्टोरी है। और नमाज पढ़ कर इतना ज़्यादा सुकून मिला ना गाइस, आप सब भी यहाँ पर नमाज पढ़ लेना माशाल्लाह। ये देखो पब्लिक जितने भी लेट हो चुके हैं ना, अब वो सब नमाज हाथों हाथ उन्होंने पढ़ ली है। और ये ना यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा है गाइस, मुझे पढ़ के बता देना आप क्या लिखा, जो पढ़ेगा भाई इसको कमेंट में नाम बोल दूंगा, जल्दी जल्दी से पढ़ के बता देना पूरा को पूरा। ये पत्थर है, और ये देखो यहाँ पर डेकोरेशन, इतना ज़्यादा डेकोरेशन कर रखी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पर आकर। जो मैंने अभी आपको मस्जिद के अंदर सोने का कटोरा दिखाया था ना, उसकी स्टोरी बताते हैं। उतरता ही नहीं है, मतलब कि और तुमने अभी क्या पढ़ा था अभी? अच्छा यासीन पढ़ ली। हम जा रहे हैं यहाँ पर ना, क्या बोलते हैं उसे, बाबड़ी है भाई, पानी पानी होता है वहाँ पर, बहुत ही खतरनाक पानी की बाबड़ी। तो अभी इधर से चलते हैं, दरगाह में से आ चुके हैं माशाल्लाह से, सबने नमाज पढ़ ली है, अब अंदर चलते हैं। बहुत ही अंदर तक है ना, कितनी दूर जाना है अभी?
अच्छा चलो सही है। और आज ना रौनक भी काफी अच्छी है माशाल्लाह। और ये देखो गाइस यहाँ से एंट्री होती है अपनी अगरबत्ती तो है। भी हमने अपने लिए सुरमा ले लिया और एक मैंने अपने लिए छल ले लिया गाइस। देखो सिंपल लिया बिल्कुल बहुत प्यारे लगा। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप थी तो यहाँ से मैंने तस्वीर लिया माशाल्लाह से। और एक लिए और क्या लिया अम्मी? अच्छा यही लिया तस्वीर। चलो पकड़ लो। अबू तो आए नहीं अम्मी, इतनी देर से हम वेट कर रहे हैं। कहाँ ले गए? और यहाँ पर काफी रिंग्स भी हैं और बॉयज के लिए है। बच्चों की उंगली ना बहुत पतली पतली है, कमजोर बच्चे हैं गली। पहले हम इन्हें एक साल पूरा ट्रीट करेंगे, खिलाएंगे, उसके बाद हम लेकर आएंगे छल्ले लेने के लिए। ओ भाई पर चैन भी, और सलमान खान वाला ब्लेसलेट भी मिल रहा है और रुमाल भी है, इतर भी है माशाल्लाह, सुरमे भी है, काफी अच्छी अच्छी चीजें गाइस, बहुत ही अच्छा लगा। ये भी सीनरी भी अल्लाह की, और ये भी है गाइस। और यहाँ पर निजामुद्दीन की एक पिक्चर भी आती है, ये फ्रेम में पूरा उन्होंने लेमिनेशन करा रखी है। आ चुके हैं हजरत निजामुद्दीन की बावड़ी है यहाँ पर, ये चेक करो गाइस कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये बताऊं बंद क्यों कर रखा है यहाँ पर? जब बम्बई से ना एक बंदा आया था यहाँ पे तो नहाने के नहीं उतरगा, उसे पता नहीं था इतना गहरा पानी है, वो यहाँ पे डूब के मर गया। तो जब से ताले लगा दिए तो इसलिए यहाँ पर ताले लगा, ताले भी एक हाँ। जी जब गहरा बहुत गहरा है, इसकी गहराई की लिमिट ही नहीं है, इतनी ज्यादा लिमिट है, इसलिए ताले लगा दिए, अब कोई अंदर नहीं जा सकता। इसलिए देखो ताले कम से कम 6-7 ताले लगा रखे हैं माशाल्लाह यार। बस सिर्फ यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ पर अपना आ सकते हैं, पानी फानी यार अपना हाथ पाथ लगा सकते हैं अपना। और ये चीज भाई पूरा वो तो जो बावड़ी बन रही है ना, तो इसी पानी से जो ना दिए जला जले है। जले था आंटी बावड़ी बन रही है ना, तो दीपले जले है इसी पानी से जब बनी है रात में बावड़ी। एक राजा हा तुगलक उसका उस टाइम जो ना वो किला बन रहा। और इसमें ना मछलियां भी हैं, देखो वो रही वहां पर भी, देखो कूद रही है ना वो, अलग अलग दिख रही मछलियां भी बहुत सारी हैं, इधर भी कूद रही हैं उधर भी कूद रही हैं, पूरे के अंदर मछली हो रही है। पूरी दरगाह में हम घूमकर आ चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, जैसे हम अंदर गए थे अब सेम टू सेम इसी रास्ते से बाहर जाएंगे। थोड़ी सी शाम हो चुकी है ना तो इतना ज्यादा क्राउड हो चुका है, देखो भीड़ हो चुकी है बिल्कुल, पेड़ रखने के लिए भी जगह नहीं है। ये देखो बस अब बाहर निकल रहे हैं हम यहाँ से। हलीम बिरयानी की प्लेट माशाल्लाह है, भूख लग रही थी हमारी अम्मी को, तो कैसी लग रही है? टेस्टी है? नहीं खाओ खाओ आप एंजॉय करो, मेरा पेट भर रहा है ना, अभी खाई थी मैंने दोपहर में। मैं नहीं बताऊंगा। अभी हम सबका प्लान बन चुका है जामा मस्जिद पर खाना खाने के लिए, भूख लगने लगी थी हमारी अम्मी, पहले कह रही पेट भर गया, हलीम खा के रही है यार, अब तो बहुत तेज की भूख लगने लगी है ना अम्मी। वालेकुम अस्सलाम कह रही है। ओके भाई शुक्रिया भाई, सब्सक्राइबर भी इतने सारे मिले थे ना माशाल्लाह। और ये देखो माशाल्लाह ये चेक करो गाइस, ये देखो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, जितनी अब शाम हो चुकी है। अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये देखो भाई फिर जामा मस्जिद की साइड निकलते हैं। अपनी कार तो अभी पार्किंग में ही खड़ी है, ये पूरी की पूरी मार्केट है। और इस मार्केट में भी ना गाइस इस साइड में खाने का सामान मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी जगह और खाना भी बहुत टेस्टी होता है। आ गई गाइस कार, अरे लोग ही नहीं खुला, खुल गया। चलो जी चलो है? ना ना जामा मस्जिद चलते हैं, जामा मस्जिद पर वहाँ पर खाएंगे खाना, उसके बाद चलेंगे घर पर। भाई होटल पार्टी हमने यहाँ पर अपना दे दिया था फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पर हमारे लिए आ चुका है हमारा फ्राई। आए हाय मैंने अपने लिए अम्मी, अरे मेरा है अम्मी मेरा है, बढ़िया हो गया गर्दन वाला, मेरा अम्मी का भी गर्दन वाला है, सानिया का सीने वाला है, चाची का भी सीने वाला है, और अब्बू का गर्दन वाला है। हाँ तुम्हारा गर्दन वाला है, मेरा नहीं गर्दन, इसकी गर्दन छोटी है मुर्गे की। ये गाय देखो कितना सारा फैमिली के साथ डिनर हो रहा है, तो चलो फटाफट से पहन देते हैं जल्दी जल्दी से। गाड़ी की खुशी में चाची को हमने पार्टी दी है, चाची भाई अल्लाह का शुक्र है, खाना खा लिया, पेट हो चुका है बिल्कुल यहाँ तक फुल। और यहाँ पर इतनी ज्यादा पुलिस वाले लगे हुए हैं, देखो भाई ये रहे पुलिस वाले, और ये रहे पुलिस वाले, ये ना जितना भी यहाँ पर जाम पर जाम लग रहा है, ये ना रिक्शे वालों को अलाउड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं अभी बाहर से एंट्री ली थी ना, तो वहाँ पर बिल्कुल भी कार भी नहीं थी ना, एक बेटर रिक्शा था, तो शांति मिल रही है थोड़ी थोड़ी, पर ना आज लोगों को क्राउड ज्यादा है। भाई वही तो कह रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मोहब्बत का शरबत पीना। हाँ भाई मुझे इतनी देर के फंदा लग चुका, आप शरबत पी जाए थोड़ी मोहब्बत से बाहर आइए, यहाँ पर जो लाइन लग के अभी भी हमारे साथ पी रहे हैं। हाँ मुझे सही लग गया, मैंने मुर्गे का मसाला छुटा के मुंह में रख लिया तो फंदा लग चुका था, अरे एक नंबर हो गया। याद कौन करेगा हमें, कौन करेगा, हम तो वैसे भी सिंगल हैं। चलो जी कार आ गई है गाइस, चलो चलते हैं। भाई इतना ज्यादा पेट भर गया ना शरबत पी के, तो और ज्यादा भर गया, एक तो मुर्गा उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक फिर पानी, बस पेट फुल है। तो अब जल्दी से निकलते हैं सीधा घर पर। तो गाइस ये दो भाई आ रहे हैं और दोनों हल्दी में से आ रहे हैं, इनके भाई की हल्दी थी वाजी वाह, आज तो लुक बड़े खतरनाक मार रखी है। और ये आ रहे हैं शहीद नगर से, डेली व्लॉग देख रहे हो, अच्छा सुंदर नगरी से, चलो बस बढ़िया। एक भाई आए थे तो भाई ने अपने दोस्त को कॉल करी, हाँ भाई ठीक हो भाई,
संभल से हैं भाई। अरे थैंक यू भाई, क्या नाम है आपका? जुनेद भाई। चलो बहुत बढ़िया लगा भाई बात करके। मेरा एक्सीडेंट हो गया दोबारा। ये क्या? ओ, ओ, अरे हाय छी, अरे कैसा गोबर से मैं? ओ, भगाओ इसे। उठे मम्मी, मैं बेहोश हो गया। अरे ये क्या है भाई? जाने मजाक मत कर, लग बुरी लगे। अरे मैं गिर गया यार मम्मी। भाई मैं बताता हूँ कैसे गिरा मैं? पूरा मुंह। ओ भाई क्या हालत हो गई मेरी। जब भी सफेद कुर्ता पजामा पहने पता नजर लगती है। मनुष लगाता था कोई, पिछली बार पहना तो कुर्ता ही फट गया। जब भी कुर्ता, और उसने रास्ते में तुम करा शाहरुख खान लगा तो मिल गया था भाई। लाल बत्ती पैसा मांगने वाला करा, तू तो शाहरुख खान लग रहा है। देखो शाहरुख खान का हालत, गाड़ी लाया इतनी महंगी है, शाहरुख खान लग रहा है। दे रहा मुझे इतने से 10 रुपए दिए था मैंने, क्योंकि अब 100 का रुपए यहाँ पे कीचड़ घट रही है, बाहर चला जा। हालत तो चेक कर लिया। चलो मैं उतर जल्दी भाई, देखना पूरा हमें फेंक देने वाला कुर्ता। गाइस एक ही कुर्ता था, ये भी खराब हो गया, तो बाहर जाके उतारना। इस पे इतना अच्छा लगा कुर्ता, अब क्या कर सकते हैं, गिर गया तो बाइक से। चलो कोई नहीं, आप साफ कर लेंगे। भाई बोल देते हैं कमेंट गिरे हुई हालत में। फर्स्ट कमेंट है बिलाल अहमद भाई, आपके पापा बहुत अच्छे हैं, सबका कितना प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भाई, और भाई का नाम नहीं है भाई, मैं आपके 2 साल से ब्लॉग देख रहा हूँ, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू भाई। सद्दाम मिर्जा अरमान भाई, आपकी न्यू कार ले ली है, इसी खुशी में आप अपनी फैमिली के साथ अजमेर शरीफ जाओ ना। अम्मी क्या ख्याल है अजमेर शरीफ का? जाएंगे जब अल्लाह ताला, मतलब जब बुलावा आएगा वहाँ से, तो खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी सवारी लेकर निकल जाएंगे। तो चलो भाई, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।